नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। जिले के थाना इंडोरिया में थाना प्रभारी सविता रजक के द्वारा शाम 4 बजे शांति समिति की बैठक ली गई, जिसमें आगामी दुर्गा उत्सव एवं दशहरा चल समारोह पर्व को कोरोना काल के जारी शासन की गाइडलाइन से अवगत करवाते हुए पर्व शांति सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए जाने की अपील की गई। बैठक में नगर के गणमान्य नागरिकों सहित दुर्गा उत्सव समिति के सदस्य, डीजे संचालकों की उपस्थिति रही। शासन के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार उत्सव चल समारोह निकालने के लेकर बैठक में उपस्थित जनों से चर्चा की गई। सभी लोगों से शासन की गाइडलाइन के अनुसार दुर्गा उत्सव और दशहरा चल समारोह मनाने का आश्वासन दिया गया। बैठक में थाना प्रभारी सविता रजक, उप निरीक्षक सौरभ शर्मा, हेमेंद्र सिंह, राम सिंह, लखन सिंह, प्रधान आरक्षक माधव राय, आरक्षक अभिषेक चौबे एवं सभी दुर्गा समिति के अध्यक्ष, गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। आधार के छोड़कर घर से बाहर ना निकले, मतलब उनको कभी भी ना निकले, उनका कहना ये है, दिन और रात नहीं है। मतलब जो बच्चे हैं 10 वर्ष से कम के, गर्भवती महिलाएं, 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्ति हैं, ने ये कहा कि कभी भी ना निकले, ऐसी अनावश्यक उसकी किसी भी सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में 38-20 तथा गृह विभाग मध्य प्रदेश के 1920 के अनुसार 100 व्यक्ति, मतलब जो मैंने बताया शादी विवाह और ये कोई एक्सपायर हो जाए जब अपनी पेरी वगैरह सबकी में 100 से ज़्यादा नहीं होगा। आगामी त्यौहार हेतु विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली मूर्तियाँ, वो ये कहीं का ये अपने यहाँ का है कलेक्टर का से ऊपर और पंडाल 10x10 का होगा। किसी भी धार्मिक सामाजिक चल समारोह निकलने की अनुमति नहीं है। किस प्रकार की मीटिंग रखी थी थाना इंडोरिया में? थाना इंडोरिया अंतर्गत आज शांति समिति की बैठक रखी गई है, जो अभी त्यौहार आ रहे हैं आगामी नवरात्रि वगैरह, इसके संबंध में गाइडलाइन जो शासन के निर्देश से सब अवगत करा दिया गया है और सबने सहमति व्यक्त की है कि गाइडलाइन का अनुसार ही काम जो पंडाल बनाएंगे और मूर्ति रखेंगे वो रखी जाएगी। आशा करते हैं कि ऐसे ही ऐसी गाइडलाइन है, सब उसके नियमों का पालन करेंगे, लेकिन इस बार मजबूरी है